हेलो गाइस, सिंपल हैक्स टू फिजिकल केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आप इस वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब टू गाइस, ठीक है? तो आज हम कुछ सिंपल हैक देखने वाले हैं गाइस। आई होप ये वीडियो आपको एकदम अमेजिंग लगेगी। ये इजी ट्रिक है, सिंपल हैक है कि आप कैसे ज्यादा स्कोर कर सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री के पोर्शन में। तो आज हम जिस टॉपिक से सिंपल हैक लेकर आए हैं वो है पॉलीमर्स। गाइस, इस टॉपिक से 4 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर कर सीएसआईआर नेट में पूछा जाता है, क्योंकि हम इस टेबल को देखकर लाइक कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइक क्या हमसे पूछा गया है। तो हम नहीं अटेम्प्ट कर पाते मोस्टली केसेस में, क्योंकि हमें उसके बारे में थोड़ा इजी ट्रिक, उसका फॉर्मूला नहीं पता होता है गाइस, ठीक है? तो जनरली ये 4 मार्क्स में पूछा गया था आपसे नेट दिसंबर 2017 में। तो हम इसे सॉल्व करने की एक इजी ट्रिक यहाँ देख लेते हैं गाइस, ठीक है? तो पॉलीमर आपको क्वेश्चन गिवन था गाइस ये कि एक पॉलीमर है, उसका फॉलोइंग मास डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन था कि उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 50 हैं, ठीक है? एंड बी केस में उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे? 75। 50 मॉलिक्यूल्स के करस्पॉन्डिंग उसका मोलर मास 5000 था, एंड 75 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के करस्पॉन्डिंग मोलर मास आपको 6000 गिवन है, ओके? तो आपको यहाँ से कैलकुलेट करना था एवरेज नंबर मोलर मास mn, ठीक है गाइज? ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं पेपर में, ठीक है? इन्हें किस तरह से अप्रोच किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? तो mn क्या होता है? नंबर एवरेज मोलर मास, जैसा कि आपको क्वेश्चन में भी गिवन है, इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ ni इनटू mi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ni। हेयर जो ni होता है गाइस वो होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है? समेशन ऑफ ni बताएगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड ni हमें बता रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इधर, ठीक है? एंड एम आई क्या बता रहा है आपको? मोलर मास, जो कि आपको टेबल में भी गिवन है गाइस, ठीक है? तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे गाइस? 2 मिनट में हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एम एन क्या है हमारा? समेशन ऑफ एन आई इंटू एम आई। फर्स्ट केस में एन आई 50 गिवन है, उसके करस्पॉन्डिंग मोलर मास आपको 5000 गिवन है गाइस, ठीक है? सेकेंड केस में आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 75 गिवन है, एंड उसके करस्पॉन्डिंग मोलर मास आपको 6000 गिवन है गाइस। एंड यहाँ है क्या है? समेशन ऑफ एन आई, दैट इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये कितने गिवन है आपको गाइस? 50 प्लस 75, यानी कि 125 मॉलिक्यूल्स इन टोटल, ठीक है? अब सिंपल आपको मास कैलकुलेशन करनी थी गाइस इस क्वेश्चन में। यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2,50,000, एंड यहाँ ये वैल्यू अप्रोक्स 4,50,000 आएगी गाइस, एंड डिवाइडेड बाय 125। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे ऐड करके, आपको सिंपली अब डिवाइड करना बचा है गाइस, तो ये आंसर आपका 5,600 आ जाएगा, एंड आपकी mn की वैल्यू 5,600 मिल जाती है आपको। आई डोंट थिंक गाइस ये बहुत बड़ी चीज थी, कुछ काफी टफ था। तो ऐसे ही सिंपल हैक्स में हम जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उनके सिंपल ट्रिक्स देखते रहेंगे। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। तो इसे जाकर बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, थैंक यू गाइस।